नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडियम के बारे में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयोडियम जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स होने पर यूज़ की जाती है, उसकी यूसेज जो है क्या है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि उसकी डोसेज जो है वो क्या होनी चाहिए। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, खुद से मेडिकेशन लेने के लिए नहीं हैं। और आइए जानते हैं आयोडियम के बारे में। आयोडियम जो मेडिसिन है वो ऐसे लोगों को दी जाती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हों, पर उसके बावजूद भी वो लोग पतले रहते हों। अगर आप लोगों के साथ ये शिकायत है या ये परेशानी आ रही है कि भूख भी पूरी लग रही है और खाना भी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तब भी आप बिल्कुल पतले हो, तो आप आयोडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेडिसिन लेने से आप लोगों के मेटाबॉलिक सिस्टम जो हैं वो सही होंगे, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करेगी आयोडियम और आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। लोगों को भी दी जाती है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। जैसा कि कई बार अगर आप स्टेयर्स से जा रहे हों, सीढ़ियों का उपयोग कर रहे हों और जाते जाते आप थक जाएं, आप लोगों को सांस चढ़ना शुरू हो जाए, तो वो लोग भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडियम देने से आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आयोडियम के पेशेंट के डिस्चार्जेस की बात करें, यानी कि जिन लोगों के डिस्चार्जेस जो हैं बहुत एक्यूरेट हों, जैसे कि अगर हम उनके पैर के पसीने की बात करें तो वो भी उनके लगता हो, जलने वाला पसीना आता हो, या लेडीज़ की बात करें तो अगर उनका डिस्चार्ज लुकोरिया की बात करें तो वो भी एक्यूरेट हो, तब हम ये दवा दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स पे आयोडियम जो है वो अच्छे से सूट करती है। आयोडियम देने से उनका जो पसीना है या उनके एक्यूरेट डिस्चार्जेस हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल होगा, उन लोगों के डिस्चार्जेस एक्यूरेट नहीं रहेंगे, उनको डिस्चार्जेस की वजह से खुजली का या जलन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताया, डिस्कस कर चुके हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो और ज़्यादा खाना खाते हो, ऐसे लोगों पे आयोडियम जो है वो सूट करती है। अब जो इंसान ज़्यादा खाना खाएगा, अगर ओवर ईटिंग होगी तो उसकी वजह से कुछ पेट की समस्याएं भी होंगी। जब ऐसा हो जाए तब आप आयोडियम का यूज़ करते हैं। पेट जब आपका ज़्यादा भर जाए उसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, आइए वो जान लेते हैं। ज़्यादा खाना खाने से एक तो एसिडिटी की शिकायत आप लोगों को बन जाती है, जहाँ पर आप आयोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इरेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हैं, तब भी आप आयोडियम लेके अपने डकारों में आराम पा सकते हैं। और बहुत बार आप लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, फ्लेटस जो है बहुत ज़्यादा पास होने लगता है, यानी कि गैस जो है वो बार बार पास होना शुरू हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में आप आयोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो पेट की ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे आराम पा सकते हैं। इससे बाद अगर हम बात करें तो अगर आपके थायराइड ग्लैंड की शिकायत आ रही है, आपके TSH लेवल या T3-T4 लेवल्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं हैं, तब भी आप आयोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गॉइटर की शिकायत है, आप लोगों के थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो रही है, आप लोगों के जो इनलार्जमेंट की वजह से आप लोगों के गले के अंदर, गर्दन के अंदर आप लोगों को लंप जो है दिखाई दे रहा है थायराइड बड़े होने की वजह से, जो कि ईजीली आप लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने पर दिखाई दे जाता है, पता लग जाता है कि थायराइड की एनलार्जमेंट हो चुकी है या गोइटर है, ऐसी कंडीशन में भी आयोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अगर आप लोगों को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, विजिंग हो रही है, खांसी आ रही है, साथ में अगर आप लोगों को फीवर आता हो और निमोनिया हो जाए, तब भी आप ये दवा आयोडियम का यूज़ कर सकते हैं। आयोडियम जो है वो आप लोगों के कलर को भी ठीक करने में हेल्पफुल होती है। अगर आप लोगों के पिगमेंटेशन हो रहा है, आपका रंग जो है वो डार्क हो रहा है, तो आप आयोडियम का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसकी डोसेज के बारे में। ये अलग अलग पोटेंसीज में ली जाती है। अगर आप इसकी मदर टिंक्चर फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं या आप इसकी क्यू पोटेंसी ले रहे हैं, तो आप इसका एक या दो ड्रॉप जो है दिन में एक बार ले सकते हैं। आप अपना कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह करके लें, उनसे पूछ के लें, या आप हमसे भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट ले लें और अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।